दोस्तों, क्राइम की दुनिया के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बात है 23 जनवरी 1989 की, जब हिरोशी मियानो और जो ओगुरा नाम के दो लड़के एक 19 साल की लड़की के गैंग रेप केस में टोक्यो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते हैं। उन दोनों लड़कों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है। पुलिस उन दिनों शहर के एक डबल मर्डर मिस्ट्री केस को भी सुलझाने में लगी थी, इसलिए पुलिस मियानो से पूछ बैठी, मुझे पता है तुमने एक मर्डर भी किया है। मियानो को लगा ओगुरा ने पुलिस को कुछ बता दिया है, इसलिए वो डर जाता है और उसने पुलिस के सामने एक ऐसा सच उगल दिया जिसकी कल्पना खुद पुलिस ने भी नहीं की थी। लेकिन इससे एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया जिसने ना सिर्फ पूरे जापान को हिलाकर रख दिया, बल्कि विश्व के सामने हैवानियत का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी आप कल्पना खुद नहीं कर सकते। दरअसल पुलिस मियानो और ओगुरा से एक महिला और उसके बच्चे के मर्डर के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने पुलिस को जुंको फरुता मर्डर का राज उगल दिया। पर पुलिस ये सुनकर हैरान रह गई क्योंकि उनकी जानकारी में ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड ही नहीं था। अब पुलिस उन लड़कों से उस शव के बारे में पूछती है तो वे पुलिस को एक ऐसी वीरान जगह पर ले जाते हैं जहां उन्होंने उसकी बॉडी को एक ड्रम के अंदर बेरहमी से दफना दिया था। दोस्तों, ये एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए इस कहानी के शुरू होने से पहले ही मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि बच्चे, 18 साल से कम उम्र वाले और कमजोर दिल के लोग तुरंत इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। इस मर्डर को कंक्रीट एंड केस हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस के नाम से जाना जाता है, जिस पर 1995 और 2004 में काफी पॉपुलर मूवीज भी बन चुकी हैं। जुंको फरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को सेटामा प्रांत के मिसाटो नाम के शहर में हुआ था। जुंको फरुता प्रसिद्ध यशियो मिनामी हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। वो पढ़ने में बेहद होशियार, मेधावी और वर्सटाइल स्टूडेंट थी। वो प्रतिदिन समय से स्कूल जाती थी और वो हर उस अच्छी आदत से भरपूर थी जिसे एक पेरेंट अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। वह अकेली बहन थी जबकि एक उसका छोटा भाई और एक बड़ा भाई था। उसके हाई स्कूल क्लास में काफी अच्छे मार्क्स आए थे। उसे पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग में भी काफी रुचि थी, जिसके कारण वो सिंगर बनने की चाहत रखती थी। घर परिवार और स्कूल में उसे ब्यूटी विद ब्रेन के नाम से भी जाना जाता था। वो ना तो ड्रिंक करती थी, ना स्मोकिंग, और ना ही पार्टी वगैरह में जाना पसंद था उसे। उसके इन्हीं गुणों के कारण स्कूल में ना सिर्फ उसकी एक अच्छी जान पहचान थी, बल्कि स्कूल के लड़के उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। हिरोशी मियानो नाम का एक लड़का भी इन्हीं लड़कों में से एक था जो जुंको को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। लेकिन मियानो एक बिगड़ैल और झगड़ालू किस्म का लड़का था जिसे जुंको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। पर मियानो को ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब जुंको मियानो को साफ साफ मना कर देती है तो ये बात उसको चुभ जाती है और वो उससे बदला लेने का मन बनाता है और उसे फंसाने के लिए जाल बिछाता है। मियानो एक टाइल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, लेकिन सैलरी कम मिलने के कारण वो उन पैसों से अपने सारे शौक पूरे नहीं कर पाता था, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनता है और महज 17 साल की उम्र में ही जापान का एक कुख्यात गैंग यकूजा से जुड़ जाता है। मियानो अपने स्कूल में माफिया की तरह था, जिससे ना सिर्फ उस स्कूल के लड़के लड़कियां उससे खौफ खाते थे, बल्कि स्कूल के टीचर्स के मन में भी उसके प्रति खौफ था। उसके गलत हरकतों के कारण ही उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था, जो कि यकूजा गैंग के ही एक जूनियर मेंबर यशुशी वतनाबे की बहन थी। जापान के खतरनाक यकूजा गैंग में हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, यशुशी वतनाबे के अलावा कई अन्य लड़के भी काम करते थे और इन सभी को उस गैंग में चिंपीरा के नाम से जाना जाता था, जो कि यकूजा गैंग में नवनियुक्त नौजवान लड़कों के लिए एक पद होता था। ये सभी लड़के अपहरण, लूटपाट, छेड़छाड़, मारपीट जैसे कार्यों में प्रतिदिन इन्वॉल्व रहते थे। इसके अलावा गैंग रेप के भी कई मामलों में ये आरोपी बने थे। यकूजा गैंग मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज में सक्रिय था। जापान के यकूजा गैंग से जुड़े लोग बेहद क्रूर थे और ज्यादातर मेल मेंबर्स इस गैंग का पार्ट थे। जुंको फरुता अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसा इकट्ठा कर रही थी, जिसके लिए उसने पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करने का निर्णय लिया और अक्टूबर 1988 में उसे एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम भी मिल जाता है। इसके अलावा जुंको पढ़ने में बेहद होशियार और मेहनती थी, जिसके कारण हाल ही में उसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में फुल टाइम नौकरी भी मिली थी, जिसे वो हाई स्कूल डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद अगले साल अप्रैल में ज्वाइन करने वाली थी। एक दिन जुंको अपनी जॉब की शिफ्ट खत्म करके तकरीबन रात 8:30 बजे बाइक से घर जा रही थी। थोड़ी दूर पहुंचने पर कुछ लड़के जा रहे होते हैं और जुंको की बाइक उन लड़कों की बाइक से टकरा जाती है।
उसके बाद वे लड़के अचानक से गायब हो जाते हैं। अब जुंको बाइक सहित नीचे गिर जाती है। इसी बीच हिरोशि मियानो उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, जिसे जुंको पहले से ही जानती थी। जुंको मियानो से कहती है उसे टोम्बो यानी ड्रैगन फ्लाई का फाइनल एपिसोड देखना है, यदि वो टाइम से घर नहीं पहुंची तो उसका ये एपिसोड छूट जाएगा। मियानो वही लड़का था जिसने कुछ समय पहले जुंको फरुता को प्रपोज किया था, पर जुंको ने उसे मना कर दिया था। मियानो जुंको से कहता है यदि वो अकेले घर जाती है तो वे लड़के उसे रास्ते में परेशान कर सकते हैं, इसलिए यदि वो चाहे तो वो उसके साथ घर तक साथ साथ चल सकती है। जुंको को मियानो की बात समझ आती है और उसे लगता है कि वो मियानो के साथ सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। मियानो की बातों में आना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सच तो ये था कि जुंको तो अब कभी घर पहुंचती ही नहीं है। दरअसल मियानो जुंको के लिए बिछाए गए जाल में कामयाब हो जाता है और इसके बाद हिरोशि मियानो उसे घर छोड़ने के बजाय एक खाली पड़े गोदाम में ले जाता है और वहां उसके साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन ये तो जुंको के साथ हुई घटना की बस शुरुआत ही थी। इसके बाद तो मियानो और उसके साथियों ने उसके साथ हैवानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी और जुंको के साथ वो होता है जिसकी शायद उसने कभी अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल टक्कर मारने वाले कोई और नहीं बल्कि हिरोशि मियानो के दोस्त ही थे और वे भी उसी की तरह यकूजा गैंग में काम करते थे। अब हिरोशि मियानो जुंको को पास के ही एक होटल में ले जाता है और वहां अपने दोस्तों नोबुहारो मिनाटो, जो ओगुरा और यशुशि वतनाबे को बुलाता है और वे सभी उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। अब जुंको की जिंदगी एकदम से करवट ले चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि लड़के उसके पीछे पड़ गए हैं। इसके बाद भी ये लड़के शांत नहीं होते हैं और इसके ठीक एक दिन बाद हिरोशि मियानो जुंको को देर रात 3 बजे एक पार्क में ले जाता है, जहां मिनाटो, ओगुरा और वतनाबे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद भी ये लड़के वहां भी उसका बारी बारी से बलात्कार करते हैं। इन लड़कों ने जुंको के बैकपैक में रखी नोटबुक से उसके घर का एड्रेस देख लिया था, इसलिए वे उसे धमकी देते हैं कि यदि उसने यहां से भागने का प्रयास किया तो यकूजा गैंग के लोग उसके परिवार को मार देंगे। इसलिए जुंको डर जाती है और बेचारी वहां से भाग भी नहीं पाती है। लेकिन अभी तो जुंको के साथ जो हो रहा था वो तो उसके एक खतरनाक और भयावह सफर की एक शुरुआत थी। इसके बाद तो मानो जैसे वो नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होती है। अब ये लड़के जुंको फरुता को अयासे नाम की एक जगह में ले जाते हैं, जहां उसी गैंग में शामिल एक लड़के नोबुहारो मिनाटो का एक पुराना घर था और वो घर उसके पेरेंट्स के नाम पर था। अब हिरोशि मियानो, नोबुहारो मिनाटो और यशुशि वतनाबे इस घर के दूसरे फ्लोर को अपना ठिकाना बना लेते हैं और वहीं जुंको की जिंदगी का खतरनाक अध्याय शुरू होता है। वहां उसके लिए दिन भी काला होता था और रात तो मानो इतनी काली होती थी कि जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। उधर जुंको को घर से लापता हुए अब लगभग 2 दिन हो चुके थे, इसलिए जुंको के माता पिता को उसकी चिंता सताने लगती है। वे उसके साथ अनहोनी की आशंका जताते हैं और पुलिस कंप्लेंट में जुंको की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब ये बात किडनैपर्स तक पहुंचती है कि उन्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर सताने लगता है, तो वे जुंको को फोर्स करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को फोन करके बता दे कि वो घर से भाग गई है और वो अभी अपने दोस्तों के साथ है और बिल्कुल ठीक है। इसके साथ वे लड़के जुंको से अपने पेरेंट्स से ये भी कहने के लिए मजबूर करते हैं कि उन्होंने जो पुलिस कंप्लेंट लिखाई है वे तुरंत उसे वापस ले लें। चूंकि जिस मकान में जुंको को रखा गया था उसमें अक्सर मिनाटो के माता पिता भी वहां मौजूद रहते थे, इसलिए मिनाटो जुंको से कहता है कि वो उसके माता पिता के सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे। हालांकि मिनाटो के पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से इस बात की खबर थी कि जुंको उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वे उसे जबरदस्ती यहां पकड़ लाए हैं। लेकिन जापान के खतरनाक चोर लुटेरे गैंग से जुड़े होने के कारण वे भी उससे बात करने से डरते थे कि यदि उन्होंने इन लड़कों की ये बात पुलिस से बता दी तो ये उनकी जिंदगी के लिए ही काल बन जाएंगे। मिनाटो के माता पिता ने बताया कि यकूजा गैंग से जुड़ने के बाद वो उनके लिए एक खतरा बन जा रहा था और प्रतिदिन उससे लड़ाई झगड़ा भी किया करता था, इसलिए वे उससे दूरी बनाकर रखते थे। इसलिए जब मिनाटो को पता चल गया कि उसके माँ बाप उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वे खुलकर अपनी दरिंदगी को अंजाम देने लगे। अब 28 नवंबर की रात को मियानो अपने साथियों कोइची इहारा, टेट्सुओ नाकुमारा और अन्य 2 अज्ञात को मिनाटो के घर में बुलाता है और वे सीधे उस कमरे में चले जाते हैं जहां जुंको को बंधक बना के रखा गया था। जुंको उस समय मियानो द्वारा कुछ दिन पहले एक दुकान से चोरी किए हुए फुल टी शर्ट और स्कर्ट पहनी थी। इसके बाद वे सभी जुंको के सामने ही एक कफ सिरप पीकर अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे उन्होंने खूब सारा नशा कर लिया हो। ये देखकर जुंको वहां से भागने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है।
उसकी आवाज़ सुनकर मिनाटो के पेरेंट्स भी नींद से उठ जाते हैं। जुंको की आवाज़ को दबाने के लिए वहां पर मौजूद लड़कों में से इहारा नाम के एक लड़के ने उसके मुंह को तकिए से दबा दिया, जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके, और मियानो ने उसकी टांगों को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो भागने का भी प्रयास ना कर सके। इसी बीच मिनाटो अपने पेरेंट्स को ऊपर आते हुए देखकर उन्हें बीच में ही रोककर कहता है, कुछ नहीं हुआ, आप जाइए। हालांकि मिनाटो के माता पिता को ये आभास हो गया था कि कुछ गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से इस बात का डर सता रहा था कि यदि उन्होंने ये बात पुलिस को बता दी या इस चीज़ के लिए अपने बेटे से पंगा ले लिया तो वो या तो खुद उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा, नहीं तो उसका यकूजा गैंग ही उनकी जान ले सकता है। इसलिए उनमें इस काम को रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस रात तो मानो जुंको फरुता के साथ वो होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। वे सभी लड़के जुंको के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। अब तो जुंको पूरी तरह से सूद बूद खो बैठी थी और वो एकटक होके ऊपर लगे छत को देखे जा रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से निस्तेज हो चुका था। वे लड़के जुंको फरुता को 40 दिनों तक नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर देते हैं। इतने दिनों तक उसके साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेलते हैं जिसे यदि दुनिया का सबसे भयावह क्राइम केस बोला जाए तो गलत नहीं होगा। जुंको के साथ उन दरिंदों ने इन 40 दिनों के दौरान कई बार गैंगरेप किया। उसे कई कई दिनों तक भूखा रखा गया। उसे बिना कपड़ों के माइनस टेम्परेचर में बालकनी में सोने के लिए मजबूर किया गया। बिना कपड़ों के नचाया, लड़कों को उत्तेजित करने के लिए शराब पीकर मास्टरबेशन कराया गया। उसके प्यूबिक हेयर की शेविंग की गई। इतना ही नहीं, जुंको को वे लड़के प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी धकेल देते हैं और उसे अर्निंग का एक जरिया बना लेते हैं। उन लड़कों ने पुलिस को बताया कि जुंको के साथ एक ही दिन में 100 से ज्यादा बार रेप किया जाता है और उन 40 दिनों में 400 से ज्यादा बार उसके साथ रेप होता है। जुंको फरुता के साथ हुई इस तरह की दरिंदगी को सुनकर अब तक आप सभी लोगों का खून जरूर खौल उठा होगा, जो कि लाजमी है। लेकिन दोस्तों, ये उसके साथ हुई दरिंदगी का कुछ ही हिस्सा है। उसके बाद तो जो जुंको के साथ होता है उसे सुनकर आप सभी अपना आपा खो बैठेंगे। एक बार जुंको के साथ हो रही बर्बरता की भनक पुलिस को भी हो जाती है और पुलिस नोबुहारो मिनाटो के घर भी पहुंच जाती है, जहां मिनाटो के माता पिता गेट खोलते हैं तो पुलिस उनसे कहती है, यहाँ की लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। लेकिन मिनाटो के माता पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस से कहते हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप अंदर जाकर चेक कर लीजिए। पुलिस को उनकी बातों में ईमानदारी की झलक नजर आती है, इसलिए वो अंदर नहीं जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नहीं तो यह केस उसी समय खुल जाता और इससे जुंको की जान भी बच सकती थी। इसके अलावा जुंको फरुता किडनैप होने के कुछ ही दिनों बाद फोन से पुलिस को अपने साथ हो रही बर्बरता की जानकारी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पुलिस से बात हो पाती इससे पहले ही उसे ये करते हुए हिरोशि मियानो ने देख लिया। पुलिस की रिटर्न कॉल आई जिसमें हिरोशि ने पुलिस से कह दिया, गलती से फोन लग गया था। इस बात से नाराज हिरोशि और उसके दरिंदे साथियों ने उसके साथ मिलकर इतना जुल्म किया कि जुंको अब पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वो ना तो कुछ कर सकती थी और ना ही उसमें अब अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाने की ताकत बची थी। मियानो ने एक बार उसकी नाक में मुक्का मारा जिससे उसकी नाक खून से भर गई और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जुंको अब सब कुछ चुपचाप सहन किए जा रही थी और मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि कितनी जल्दी उसकी मौत आ जाए। इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद वे लड़के उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे थे। तभी वे उसे जबरदस्ती कॉकरोच खिलाते हैं, सिगरेट लाइटर का लिक्विड उसके स्किन पर डालकर आग लगाते हैं जिससे उसकी स्किन छूटकर स्वतः गिरने लगी। इससे भी मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट में आयरन की रॉड, कैंची, लाइटर बल्ब जैसे ऑब्जेक्ट डालते हैं और ना जाने कैसी कैसी यातनाएं दी गई जुंको को, जिन्हें बता पाना लगभग नामुमकिन है। अब इन खतरनाक मुश्किलों से गुजरने के बाद जुंको ना तो कुछ खा सकती थी और ना ही पी सकती थी। एक महीने में उसकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती है। सीढ़ियों से होकर नीचे बाथरूम तक जाने में भी उसको एक घंटे का समय लग जाता था और बीच रास्ते में ही बाथरूम कर देती थी। इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद जुंको का शरीर पूरी तरह से चेंज हो चुका था और उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। उसके चेहरे पर बहुत सूजन आ गई थी। उसका शरीर मानसिक रूप से पूरी तरह से डगमगा जाता है। उसके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। उसके शरीर में कई जगह की हड्डियां टूट चुकी थीं। वे लोग जब उससे जबरदस्ती कोई काम करवाते थे तो वो एक दो कदम चलने पर ही लड़खड़ा कर गिर जाती थी। आप उसके ऊपर किए गए अत्याचार का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि जब जुंको के ऊपर जुल्म किया जा रहा था तो वो उनसे जान की भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि जान से मार डालने की भीख मांग रही थी ताकि उसके ऊपर हो रहे जुल्मों का अंत हो सके। जुंको की स्किन काफी हद तक जल चुकी थी
और उसमें पस भी पड़ जाता है। अब उसके शरीर से अजीब सी स्मेल आने लगी थी, जिसके कारण उन लड़कों का उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वे लड़के अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक अन्य लड़की को ठीक उसी तरह से किडनैप करते हैं जिस तरह से जुंको फरुता को किया था, और उसी के जुल्म में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, जिसकी कहानी हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। अब 4 जनवरी 1989 को मियानो जुंको से महजोंग नाम का एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें जुंको उससे जीत जाती है। इतने मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के बावजूद वो उस गेम को जीत जाती है, जिससे आप उसके मेंटल लेवल और टैलेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। पर यह बात उन लड़कों को नागवार गुजरी, और इस बार तो उस पर वो अत्याचार किया गया जिससे उसकी जिंदगी का ही अंत हो गया। हिरोशि मियानो ने उसे अब सीलिंग से लटका दिया, उसे बॉक्सिंग के पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया, उसके शरीर को फिर से लाइटर लिक्विड से जलाया, उसकी आंख में जलती मोमबत्ती रख दिया जिससे उसकी आंख की पुतली तक जल गई, उसे खुद का यूरिन पीने के लिए भी विवश किया। इतने अत्याचार के बाद जुंको के शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही थी। कुपोषण, भूखमरी और गहरे जख्मों के कारण जुंको को मिर्गी आने लगती है, और वो स्टीरियो यूनिट के ऊपर अचानक से गिर पड़ती है। उसकी स्किन लगातार छूटकर गिर रही थी, जिसे रोकने के लिए वे लड़के उसको प्लास्टिक बैग और डक्ट टेप से कवर कर देते हैं। उस दिन जुंको ने ये अत्याचार लगातार 2 घंटों तक सहा। अब जुंको ने हरकत करना बंद कर दिया था, पर वे लड़के इस बात से बेखबर थे और वे उसे वहीं छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसी बीच जुंको फरुता 4 जनवरी 1989 को अडाची टोक्यो में स्थित उस नर्क रूपी घर में अपनी अंतिम सांसें लेती हैं। 24 घंटे बाद जब मिनाटो का भाई जुंको के पास जाकर देखता है कि उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया है, तब ये बात उन दरिंदों लड़कों को वो बताता है, जिसके बाद वे इस बात से डर जाते हैं कि कहीं पुलिस उन्हें अब पकड़ ना ले, इसलिए अब वे शव को ठिकाने लगाने की बात सोचने लगते हैं। जुंको के मरने के बाद वे लड़के उसके बॉडी को एक ब्लैंकेट में लपेटकर एक ट्रैवल बैग में भर देते हैं। अब मियानो अपने दोस्तों के साथ एक 200 लीटर का एक ड्रम लाता है, और उसमें ही वे जुंको की बॉडी को बैग सहित भर देते हैं। फिर उस ड्रम में सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं, पर शव को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने की जल्दी में जुंको के बाल बाहर ही रह जाते हैं। इसके साथ मियानो जुंको के शव के साथ ड्रैगन फ्लाई एनिमे की फाइनल एपिसोड की एक सीडी भी उसी बैग में भर देता है। चूंकि जुंको ने कैद के दौरान मियानो से कहा था कि उसे वो शो देखना है, जिसकी सीडी उसने इसलिए बैग में नहीं रखी थी कि उसे कोई पछतावा हो रहा था, बल्कि उसे डर था कि कहीं जुंको की आत्मा उसे परेशान ना करे। इतना सब करने के बाद वे लड़के उस ड्रम को एक ट्रक में ले जाकर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक देते हैं, जहां लोगों का इतना आना जाना नहीं था। अब उस साइट से ड्रम मिलने की कहानी हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। ड्रम मिलने के बाद जुंको के शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है, जिसमें यह खुलासा होता है कि जुंको के शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, और उसके साथ हुई दरिंदगी के कारण वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब पुलिस इस केस के सरगना हिरोशि मियानो सहित यशुशी वतनाबे, नोबुहारु मिनाटो और जो ओगुरा को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, जुंको के साथ हुई घटना ने सबको झकझोर दिया, जिसको सुनने मात्र से ही सिहरन उत्पन्न हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब उस छोटी सी लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, वो क्या महसूस कर रही होगी, किस तरह के पेन से गुजरी होगी। लेकिन वो अपनी आप बीती सुनाने के लिए अब दुनिया में मौजूद नहीं थी। अब जून 1990 में टोक्यो के कोर्ट में जुंको फरुता के हैवानों पर सुनवाई होती है, जिसमें कोर्ट उन लड़कों पर सीधे मर्डर का केस दर्ज करने के बजाय जुंको को शारीरिक चोट पहुंचाने से हुई डेथ को कारण मानती है। इतना हीनियस क्राइम करने के बावजूद जापान की कोर्ट ने पहले तो उन लड़कों के नाम उजागर नहीं किया और उनको ABCD कहकर संबोधित किया, लेकिन जापान की एक मशहूर वीकली पत्रिका शुकान शिंशो के एडिटर काजुयोशी हनादा ने जब इस केस के बारे में स्टडी की, तो उन्होंने उन लड़कों के नाम अपने मैगजीन में प्रकाशित कर दिए, जिससे दुनिया के सामने उन लड़कों की पहचान सामने आई। उन्होंने कहा कि जानवरों जैसा कृत्य करने वाले पर मानवता के अधिकार और कानून लागू नहीं हो सकते। कोर्ट ने हिरोशि मियानो को इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जाता है, और उसे सबसे ज्यादा 17 साल की सजा सुनाई जाती है। उसने कोर्ट में अपनी सजा कम करने के लिए एक याचिका भी डाली, जिसे कोर्ट ने रिकंसिडर किया और इसकी सजा घटाने के बजाय 3 साल की सजा और बढ़ा दी, और अब उसे 20 साल की जेल की सजा दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने जुंको की फैमिली को $370,000 का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया, जिससे हिरोशि मियानो के माता पिता को अपना घर बेचना पड़ा। लेकिन यह धनराशि जुंको के साथ हुई हैवानियत के दर्द को तो खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक कम जरूर करती है। एक अन्य लड़के शिंजी मिनाटो, जिसके घर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था,
उसे 4 से 6 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई। परसों ने भी हिरोशी की तरह सजा घटाने के लिए कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने इसकी भी सजा बढ़ाकर 5 से 9 साल कर दी। यशुशी वतनाबे को 3 से 4 साल तक की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 से 7 साल कर दिया गया। लेकिन जो ओगुरा को मात्र 8 साल जुवेनाइल कोर्ट में गुजारने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय उसकी उम्र सबसे कम 16 साल की थी, इसी कारण उसे साल 1999 में रिलीज कर दिया गया। जो ओगुरा जुवेनाइल कोर्ट से बाहर आने के बाद अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीना शुरू कर देता है, वो नौकरी भी करता है और बाद में वो शादी भी कर लेता है। दरअसल जो ओगुरा को कम सजा मिलने की वजह यह भी थी कि जापान के कानून के हिसाब से वहां के लोगों को सजा देने से ज्यादा उसको सुधारने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, पर इन दरिंदों के अपराध के हिसाब से समाज में रहने तक का भी हक नहीं था, क्योंकि उनके अपराध का दायरा उनकी उम्र से कहीं ज्यादा था। जापान की जनता उन लड़कों को मामूली सजा दिए जाने पर काफी नाराज थी और उनके लिए फांसी की सजा की लगातार मांग कर रही थी। जुंको फरुता के साथ हुई घटना से हर किसी के खून में उबाल पैदा होता है। फिर पता नहीं जापान के कोर्ट ने उन दरिंदे लड़कों के अपराध को इतनी कम सजा देकर कैसे माफ कर दिया। उम्मीद के अनुसार वे सभी लड़के जेल से छूटने के बाद बारी बारी से क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जाता है। जैसे जो ओगुरा जुलाई 2004 में एक आदमी को बुरी तरह पीटता है और पुलिस बाद में उसे अरेस्ट भी करती है, इस केस में उसे फिर से 7 साल की सजा दी जाती है। अब जब वो जेल से बाहर आता है तो वो अपना नाम जो ओगुरा से बदलकर जो कमिशाकू कर लेता है। 2018 में मिनाटो भी एक व्यक्ति के हत्या करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा एक बार जो ओगुरा की मां ने जुंको की कब्र में जाकर हंगामा भी किया था कि इस लड़की की वजह से ही उसके लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई। जुंको के अपराधियों को भले ही इस कोर्ट ने उनके जुर्म का हिसाब ना किया हो, लेकिन कभी ना कभी कहीं तो कहीं ऊपर वाला जुंको को इंसाफ जरूर देगा और उनको भी इसी तरह का दर्द झेलना पड़ेगा जिस तरह से 40 दिन तक एक मासूम निर्दोष लड़की ने सहा था। हालांकि नाबालिग को क्राइम के अनुरूप सजा न मिलने के कानून का जापान में काफी विरोध हुआ, जिसके कारण इस कानून को बदलना पड़ा और 1997 में एक 16 साल के लड़के द्वारा दो बच्चों की हत्या के बाद जुवेनाइल क्राइम की मिनिमम एज को 16 साल से घटाकर 14 साल कर दिया गया, जिसमें 14 साल के ऊपर जुर्म करने वाले को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। जुंको फरुता के साथ 40 दिन तक हुई हैवानियत को महसूस करते हुए भी हम सभी लोग सहम जाते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 40 दिनों में उस 17 साल की एक मासूम लड़की किस तरह की यातना से गुजरी होगी। जुंको फरुता की हत्या के बाद उसके स्कूल ने जुंको के माता पिता को उसके हाई स्कूल डिप्लोमा की उपाधि दी। इसके अलावा जुंको जिस कंपनी में हाई स्कूल पूरा करने के बाद नौकरी के लिए जाने वाली थी, उस कंपनी की तरफ से भी जुंको को उसकी आधिकारिक ड्रेस भेंट की जाती है, जिसे जुंको के ताबूत के साथ ही दफना दिया जाता है। इसके अलावा जहां जुंको के शव को बरामद किया गया था, उस जगह को वासाकू पार्क में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, जुंको के साथ हुई घटना से आप सभी काफी विचलित जरूर हुए होंगे, पर यह कहानी हम सबको एक सीख भी देती है। भले ही जुंको की बॉडी के साथ उन दरिंदों ने निर्ममता की, लेकिन उसने मरते दम तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी, पर वो इस लड़ाई में अकेली थी और उसके दुश्मन 4। वो चाहती तो रात के समय बालकनी से भाग भी सकती थी, पर उसने भागने के बजाय उनसे मुकाबला किया। ये गलती जुंको और उसके परिवार की नहीं कि वो इस घटना की जानकारी को पुलिस तक सही से नहीं पहुंचा सकी, बल्कि जापान के नियम कानून से थी, जिन्हें एक लापता लड़की की जानकारी होते हुए भी वो उसे खोज नहीं सकी। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही उस मैगजीन के पत्रकार के बारे में आप क्या कहेंगे जिसने जुंको फरुता के साथ दरिंदगी करने वाले हैवानों का नाम उजागर किया था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।